फ्रेंड्स ऑफ माय चैनल, सभी मेरे दर्शकों का बहुत बहुत नमस्कार। और सभी को एक लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मैं अब आपको देने जा रहा हूँ। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जलंधर, जो कि अच्छे रैंकिंग के हिसाब से यहाँ पर है। इसकी रैंकिंग आप देख सकते हैं, रैंकिंग के हिसाब से इसकी जो कॉलेज रैंकिंग है 52 पे आती है ये। और अगर हम NRI इसकी रैंकिंग देखें तो वो भी हम देख सकते हैं, इसकी अच्छी रैंकिंग है इसकी हमारी। तो ये रैंकिंग के हिसाब से बहुत बढ़िया हमारा कॉलेज है। अब हम बात करेंगे इसमें कौन कौन से कोर्सेज हैं, और उसके बाद मैं इसकी साइट पे लिए चलूँगा और एडमिशन जो प्रोसेस है जो यहाँ पर आ चुका है उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो ये चैनल आप देख पा रहे हैं, ये है educare.com चैनल है। इसमें जो कोर्सेज हैं आप देख पा रहे हैं, एमिनेशन एंड डिज़ाइन है, आर्ट्स इम्यूनिटी एंड सोशल साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन IIT, इंजीनियरिंग एंड आर्किटेक्ट, मैनेजमेंट एंड बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और साइंस के कोर्सेज हैं। तो अब मैं सबसे पहले आपको आर्ट्स एमिनेशन ऑफ डिज़ाइनिंग के कोर्सेज बताऊंगा। MTech है यहाँ पर, डिज़ाइन सेल्फ स्पॉन्सर है, 17 सीट्स हैं। MTech VLSI डिज़ाइनिंग 10 सीट्स हैं। और इसके बाद हम बात करेंगे अगले कोर्स की। अगला जो कोर्स है आर्ट्स ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंस की बात अगर करें तो PhD ह्यूमैनिटीज़ एंड मैनेजमेंट में यहाँ पर PhD कर सकते हैं आप, हायर एजुकेशन का कॉलेज है। कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड IT की अगर हम बात करें तो BTech कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग 121 सीट्स हैं यहाँ पर, BTech इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 60 सीट्स हैं यहाँ पर, UG है। और इसके बाद अगर हम PG की बात करें तो MTech कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग 28 सीट्स हैं, MTech कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग सेल्फ स्पॉन्सर 18 सीट्स हैं, MTech इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी सेल्फ स्पॉन्सर्ड है 18 सीट्स हैं, MTech इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी इसकी 10 सीट्स यहाँ पर दी गई है। इसकी बात हम बात करेंगे कंप्यूटर एप्लीकेशन के बाद। इंजीनियरिंग एंड आर्किटेक्ट की बात करें, बेसिकली ये हमारा एक इंजीनियरिंग का कॉलेज है, BTech सिविल इंजीनियरिंग 123, BTech इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग 122 सीट्स है, BTech इंडस्ट्रियल एंड प्रोडक्शन इंजीनियरिंग 122, BTech कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग 121, मैकेनिकल की 121 सीट्स हैं, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग 116 सीट्स हैं, BTech केमिकल इंजीनियरिंग यहाँ पर है 115 सीट है, टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी है 115, BTech इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 60, BTech इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 60, और इसके अलावा भी यहाँ पर BTech बायोटेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग जो है 58 सीट्स हैं। और इसी की बात अगर हम करें इनमें मास्टर डिग्री की हम बात करें तो मास्टर डिग्री आप देख सकते हैं यहाँ पर MTech केमिकल इंजीनियरिंग में 28 सीट्स हैं, MTech कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग 28 सीट्स हैं, MTech कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग 28 सीट्स हैं, MTech इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग 28 सीट्स हैं, मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी 28, मैकेनिकल इंजीनियर 28, स्ट्रक्चरल एंड कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग 28, इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट 28, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग सेल्फ स्पॉन्सर 18, MTech इंजीनियरिंग स्पॉन्सर 18। इसके अलावा भी 10 कोर्सेज और दिए हुए हैं जो कि आपके स्क्रीन के ऊपर यहाँ पर आ सकते हैं, आप चेक कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे इसके बाद इंजीनियरिंग के बाद मैनेजमेंट की बात करेंगे। मैनेजमेंट की एडमिशन अभी चल रही है तो MBA की 37 सीट्स यहाँ पर अवेलेबल है। और इसके बाद हम बात करेंगे साइंस की। साइंस में अब यहाँ पर देखते हैं क्या है, पोस्ट ग्रेजुएशन है सिर्फ यहाँ पर, मास्टर डिग्री इन केमिस्ट्री 31, मैथमेटिक्स 31, फिज़िक्स 31, और रिन्यूएबल एनर्जी की अभी सीट्स क्लियर नहीं की गई है। तो ये थी सीट्स की जानकारी। अब मैं आपको इसकी साइट पे लिए चलता हूँ। साइट पे लिए चलने पर आप देख पा रहे हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जलंधर, NIIT जलंधर की बात कर रहे हैं। और यहाँ पर जो है एडमिशंस का जो एडमिशन सेशन 2021 ये आ चुका है। देखिए आप यहाँ पर विज़िट करेंगे तो मैं आपको अभी इस पर विज़िट कर रहे हैं हम इस पर, तो यहाँ पर एडमिशन का जो नोटिस है BTech, MTech, MTech सेल्फ स्पॉन्सर, MBA की आई है सिर्फ अभी सिर्फ आप देख पा रहे हैं, सिर्फ MBA का जो शेड्यूल है वो आ चुका है। और क्या डेट्स हैं इसके बारे में मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। MBA का जो रिवाइज शेड्यूल है आया है,
ये क्या है इसके बारे में, एमबी की जो एडमिशन्स हैं, लास्ट डेट 25 तारीख है, डिस्प्ले ऑफ लिस्ट एलिजिबल इंस्टीट्यूट टेस्ट 1 जून को आ जाएगी और डेट ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ एंट्रेंस टेस्ट 4 जून है, एलिजिबल कैंडिडेट 8 जून, उसके बाद मेरिट लिस्ट है जो 11 जून को करी जाएगी एडमिशन, काउंसलिंग 15 जून 2021 से स्टार्ट हो जाएगी। तो एमबीए की एडमिशन यहाँ पर स्टार्ट हो चुकी है। तो प्यारे बच्चों ये रिवाइज डेट्स हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं न्यू डेट्स हैं यहाँ पर, दीज आर द रिवाइज डेट्स। और इसके बाद हम बात करें अभी एडमिशन्स जो हैं बाकी चीज़ों की अभी नहीं आई है, जैसे ही एडमिशन्स का प्रोसेस आएगा तो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो एमबीए की एडमिशन्स आ चुकी है जिसकी आपने अभी देखी, लास्ट डेट जो है हमारी 25 तारीख है, 25 मई है, तो अभी कुछ ही समय टाइम रह गया है, तो अपने रिवाइज करके ऑनलाइन फॉर्म भरें। और होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल, दैट इज़ माइंड योर साइंस।